हमने सत चित और आनंद के बारे में यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियों से या फिर कहीं जो कथाकार को होते हैं उनसे हमने सुना है। हम ऐसा जानते हैं एज एन इंडियन कि हाँ सत चित आनंद स्वरूप ही परमात्मा होते हैं, पर क्या आपको ये पता है सत क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है? और श्री कृष्ण भगवत गीता में सत चित आनंद की बात किस प्रकार करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सत चित और आनंद का अर्थ। सत उसका अर्थ होता है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि हम एग्जिस्टेंस को ये समझते हैं जैसे हम हैं, हमने जन्म लिया, हम बच्चे थे, फिर हम जवान हुए, कल को बूढ़े होंगे, तो ये हमारा एग्जिस्टेंस है, हम अभी यहाँ पर हैं। एक्चुअली एग्जिस्टेंस का अर्थ होता है जो कभी भी परिवर्तित ना होता हो। अब मुझे एक बात बताइए, आप बच्चे थे, आप जवान हुए, आप बूढ़े होंगे, क्या इसमें कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन नहीं है? है ना। एक चीज है जो आप में कभी भी नहीं बदली और वो है आपका इनर सेल्फ, उसे जिसे सभी लोग जब जान लेते हैं वो कहते हैं परमात्मा, आत्मन, जिसे कहा जाता है सत। सत अर्थात एग्जिस्टेंस, जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, जिसमें निरंतर कोई बदलाव नहीं आता, निरंतर नहीं, कभी कोई बदलाव नहीं आता। दूसरा है चित, जिसे कहा जाता है कॉन्शियस। कॉन्शियस का अर्थ होता है चेतना। जो भी हम चीजें देखते हैं, जो भी चीजें इस पृथ्वी पर है, इस पूरे ब्रह्मांड में है, हर किसी की अपनी एक चेतना है। पर हमें क्या लगता है कि हम कुछ ज्यादा चेतना वाले हैं, जो इस पृथ्वी पर पत्थर हैं वो कम चेतना वाले हैं, पर ऐसा नहीं है। उनकी चेतना, उनकी कॉन्शियसनेस अलग है, उनका जो कॉन्शियस है वो डिफरेंट है। और जब कॉन्शियस का डिफरेंस है तब हम केवल ये जान नहीं पाते हैं कि इसमें डिफरेंस है, क्योंकि हमने उस चीज को कभी भी एज अ कॉन्शियस ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया। तो चित अर्थात कॉन्शियस चेतना, आनंद, इसको कहा जाता है इंग्लिश में ब्लिस। आनंद का आप देखो ना तो कोई ऑपोजिट नहीं है, सुख है दुख है ना, अगर दिन है तो रात है, मतलब हर एक चीज एक ड्यूअलिटी में देखी जाती है इस संसार में, इस पृथ्वी पर या पूरे ब्रह्मांड में। कभी कोई चीज राइट साइड होगी तो दूसरी लेफ्ट साइड होगी ही होगी। अब यदि हम आनंद की बात करते हैं तो आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं, इसीलिए हमने उस परम चेतना को अर्थात उस परमात्मा की कॉन्शियस को कंप्लीट ब्लिस कहा है, और इसी वजह से हम परमात्मा को कहते हैं सत चित आनंद स्वरूप। अब यहाँ पर भगवत गीता का अध्याय 5 हमारा चल रहा है और अध्याय 5 के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण प्रभु अर्जुन को सिखाते हैं कि देख किस प्रकार कोई व्यक्ति पूरा का पूरा परमात्मा बन सकता है। द सॉल्यूशन ऑफ बीइंग द गॉड, वो क्या है आज इस श्लोक में जानेंगे। चलिए देखते हैं श्लोक। अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। सीधी सी बात है, यहाँ पे ये कहा है कि जिसने भी सांख्य योग जान लिया है, अब सांख्य योग मैंने मेरे इसी चैनल पर सबसे पहले अपलोड किया था, आप कृपया उसको देख लीजिएगा। तो जो भी व्यक्ति अंतःकरण से इस चीज को जान लेता है तो ये जो मनुष्य शरीर है ना, जिसमें 9 द्वार हैं, 9 द्वार का अर्थ है 2 कान के छेद हैं, 2 नाक के नथुने हैं, 2 आंखें हैं हमारी, एक मुंह है, एक नाभि है और 2 मल द्वार है। यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारे टोटल 9 द्वार होते हैं। इस 9 द्वार वाले शरीर में भी बदलता हुआ भी नहीं बदलता, हर व्यक्ति जब पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाता है वो जानता है कि नींद में भी वो सोता नहीं, वो जानता है कि वो खुद बच्चा
अभी बच्चे का जो जीवन है ना वो जी रहा है, उसके अंतर मन का जो अंदर की आत्मा है वो बच्चे की नहीं है। वो जवान होता है तो भी देखता है कि शरीर जवान हो रहा है, अंदर की जो आत्मा है वो एज इट इज है। बूढ़ा होता है तब भी ये देखता है कि शरीर बूढ़ा हुआ है, केवल और केवल शरीर, अंदर का जो उसका इनर सेल्फ है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो एज इट इज रहती है। तो जब ऐसा होगा तब उसकी जब मृत्यु होती है तो वो भी पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस से भरी हुई रहती है, और बाद में जब वापस उसका जन्म होगा तो वो भी एक नई चेतना, एक नई कॉन्शियसनेस के साथ, पुरानी यादों के साथ होती है। तो यदि भगवान बनने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ना है या इस चेतना को सरेंडर होना है, जानना है कि सत्चित आनंद क्या है, तो आप पूरी तरह से सरेंडर होइए, महसूस कीजिए शरीर को, आसपास की स्थिति को, वातावरण को, और देखिए कितना आनंद भरा हुआ है। यदि ये वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, और आगे के भी वीडियो देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।